आज मैं प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र बनारस में उद्यान विभाग में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ उद्यान विभाग के उद्यान निरीक्षक ज्योति कुमार सिंह जी से जो हम ये जानने आए हैं कि औद्यानिक का क्या अगला भविष्य होगा, बेहतर भविष्य होगा, जिसको किसान करके और किसान से उद्यमी बनेंगे और उद्यमी बन करके आज के वर्तमान का मुकाबला कर सकेंगे, महंगाई का, बेरोजगारी का, अपने बच्चों के शिक्षा का ये मुकाबला कर सकेंगे। तो इस गहन विषय पर मैं वार्ता के लिए आया हुआ हूँ। मैं सीधे आपको ले चलता हूँ और उनसे आपको उनकी जुबानी आपको सुनाता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ज्योति कुमार सिंह। अभी मुझसे कहा गया कि उद्यान का भविष्य क्या होगा, तो मैं कहता हूँ कि भविष्य ही उद्यान है और पूरी संभावना है कि आगे आने वाले समय में हम और बेहतर परफॉर्म करेंगे और बढ़िया सी चीज़ें करेंगे। अभी तक हमारा जो किसान है वो आप देखते हैं कि अपने जो भी उत्पाद इनपुट के रूप में क्रय करता है वो फुटकर में खरीदता है, वो फुटकर मूल्य पर खरीदता है, और जब उसका उत्पादन मार्केट में आता है तो खुदरा मूल्य की जगह उसे थोक भाव मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम खुदरा भाव की चीज़ों के इनपुट को डाल के और हम थोक भाव में उसकी बिक्री करते हैं, तो यही हमको सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो किसान को अब उद्यमी बनने की ज़रूरत है कि हम कोई चीज़ थोक में खरीदें तभी थोक में उसकी बिक्री करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे उत्पादों में नई जो वैज्ञानिक तकनीक है उसका उपयोग करें। जैसे अभी हम देखें कि संरक्षित खेती की एक अपार संभावनाएँ हैं। संरक्षित खेती में हम बेसमय, बेमौसम और तमाम समाज की जो मौसम की परेशानियां हैं उनसे दूर हटकर अपने उत्पादन को बढ़िया क्वालिटी का और अच्छा करें। अब देखिए, अभी तक तो हम उत्पादन की अधिकता की बात करते थे, लेकिन अब जो हमारा जो उपभोक्ता है वो ये चाहता है कि हमको किस तरीके से अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें मिलें जिसमें विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, सब कुछ हो। तो अब हमारे पास फोर्टिफाइड सीड्स अवेलेबल है, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट से भी रिच हैं और आपको उसमें अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लोग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी संभावना हमारे सामने है। दूसरा, जैविक खेती की एक संभावना है, तो उसमें जो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स, मतलब बिना किसी सॉइल के हम पानी में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फ्लो करके और बिना किसी मृदा के हम पौधे उत्पादन करते हैं, उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो सॉइललेस कल्टीवेशन एक बड़ी संभावना हो गई। दूसरी बात, पौधों के जो ब्रीड्स आ रही हैं उनमें बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। जैसे अभी तक हम लोग पोमेटो की बात करते थे कि ऊपर जो है टमाटर फल रहा है और नीचे जो है हमारा आलू फल रहा है, लेकिन अब क्या है कि सोलनेसी प्लांट में हम ग्राफ्टिंग के माध्यम से एक ही पौधे पर दो तरीके के फल ले सकते हैं, जिसे हम ब्रोमेटो के नाम पे जानते हैं, जिसमें ब्रिंजल मतलब बैगन और टोमेटो मतलब टमाटर भी आपके लिए उपलब्ध है। तो ये जो टेक्निक है उसका हम प्रयोग करके कम जगह पे, छोटी सी जगह पे टेरेस गार्डनिंग कर लें, अपनी छत पे कर लें, और छोटी सी जगह पे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही साथ हम अब अपने को उद्यमी के रूप में स्थापित भी कर सकते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपकी आवश्यकता के अनुसार दे रहे हैं, और जितनी मात्रा में आप चाह रहे हैं हम वो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हम करें तो हमारा जो भविष्य होगा वो बहुत ही उज्ज्वल होगा। तो ये दो तीन चीज़ें जो मैंने आपसे जिक्र की, संरक्षित खेती, फोर्टिफाइड फूड और हाइड्रोपोनिक्स, ये हमारे उद्यान के लिए एक नया भविष्य और नई संभावना लेके आ रहा है। किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप इन नए भविष्यों को, नई संभावनाओं को, नई प्रजातियों को आप अपने यहाँ प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका उत्पादन लें, जिससे कि आप एक उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। आपने तो शहरों के जो कंक्रीट में खड़े भवन हैं उनको भी आप उद्यमी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ब्रोमेटो है, आप एक गमले में ब्रिंजल भी ले रहे हैं और टोमेटो भी ले रहे हैं, तो ये कितना आसान हो गया। बिना आप अपने छत के ऊपर बिना पानी के, मतलब बिना मिट्टी के, मृदा के, पानी की सहायता से माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं। सारी जो पत्ती वाली सब्जियां हैं, सलाद हैं, इतने बढ़िया इसमें उगेंगे कि आप ताज़ा उसको खा सकते हैं। तो शहर के लोग भी बिल्कुल अच्छी से अच्छी सब्जियां ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी संभावना है इसके अंदर।
और शहर में भी एक पर्यावरण बनेगा, बहुत शानदार पर्यावरण बनेगा। जब आपके छत पे लेट्यूस और सलाद की अच्छी वैरायटी लगेगी तो आप समझिए कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी है, भोज्य पदार्थ और वायु। तो वायु का भी आपका बहुत बढ़िया वहाँ पे स्टैंडर्ड बना रहेगा, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहती है पत्ती वाली सब्जियों में, और उसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। कोरोना में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। बिल्कुल, ऑक्सीजन तो अस्पतालों में मिल ही नहीं रहा था, तो हम तो आपके घर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। तो आप ऑक्सीजन का प्लांट लीजिए, उसमें सुबह शाम टहलिए और देखिए आपका 95+ ना ऑक्सीजन है, बताइए। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।